नमस्कार किसान भाइयों, गांधी जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी को कृषि दर्शन परिवार की ओर से अनेकों शुभकामनाएं और बधाइयां। किसान भाइयों, बापू कहते थे कि हमारे देश की आत्मा गांव में बसी है। ग्रामीण विकास के बिना देश उन्नति नहीं कर सकता। वे हमेशा से ही ग्रामीण स्वावलंबन पर जोर देते हुए छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देते थे। किसान भाइयों, बापू कहते थे कि हमारे देश का मजदूर और किसान जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा, देश उन्नति नहीं कर सकता। वे हमेशा से ही खेती में जैविक और पारंपरिक तरीकों को अपनाने के पक्षधर थे। तो चलिए उन्हीं के आदर्शों को अपनाते हैं और देखते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या क्या लेकर आए हैं हम आपके लिए। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे मंडी भाव के साथ में खबरें खेती की से। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज कृषि की मुख्य खबरों पर। फसलों को बारिश से बचाने की सलाह, चने को उगता से बचाएं, रोटावेटर एक उपयोगी कृषि यंत्र, स्प्रिंकलर से कम पानी में अधिक सिंचाई, बीजोपचार में उपयोगी सीड ड्रेसर। और अब खबरें विस्तार से। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश के पूर्वी तथा दक्षिणी भाग के जिलों में कहीं कहीं तेज अथवा बहुत तेज बारिश होने की संभावनाएं बताई जा रही हैं। यह वर्षा धान तथा देर से बोई गई खरीफ फसलों के लिए लाभप्रद हो सकती है। कृषि विभाग की सलाह के अनुसार ऐसे क्षेत्र जहां सोयाबीन तथा दलहनी फसलों की कटाई की जा रही है, वहां फसल सुरक्षा के उपाय किए जाना बहुत जरूरी है। संचालक कृषि मोहन लाल ने सभी संबंधित जिलों के कृषि अधिकारियों को कटाई के बाद फसलों को खेत में न छोड़ने की सलाह किसानों को तत्काल देने के लिए कहा है। साथ ही फसल को सुरक्षित तथा ऐसे स्थान पर रखा जाए जहां फसल वर्षा से भीगे नहीं। खलिहान में रखी फसल को भी तिरपाल से ढांक कर रखें। यदि किसी कारण से काटी गई फसल गीली हो जाए तो वर्षा रुकने के बाद उसे साफ एवं सूखे स्थान पर भली भांति फैलाएं और नमी उड़ जाने के बाद ही थ्रेशिंग करें। गीली फसल को तिरपाल से ढांके। चने की फसल को उकटा रोग से अत्यधिक नुकसान होता है। चना बोनी के समय आवश्यक उपाय अपनाकर चने को उकटा रोग से बचाया जा सकता है। यह मृदा जनित रोग है जो फफूंद के द्वारा होता है। इसमें पौधा मुरझाकर सूख जाता है, पत्तियां सूखकर भूसे के रंग की हो जाती हैं, अधिक नमी तथा 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होने पर रोग बढ़ जाता है। इसके नियंत्रण के लिए थायरम या कार्बनडाजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीज शोधन करके ही बुआई का कार्य करना चाहिए। किसान भाई इस समय कई तरह के उन्नत कृषि उपकरणों का उपयोग खेती में करने लगे हैं। उन्नत कृषि उपकरणों के उपयोग से एक ओर जहां समय बचता है, वहीं दूसरी ओर खेती की लागत भी कम होती है। रोटावेटर खेती के लिए अत्यंत उपयोगी कृषि यंत्र है। इसको ट्रैक्टर में फिट करके खेत तैयार करने का काम किया जाता है। खेत में रोटावेटर चलाने से खेत खरपतवारों से मुक्त हो जाता है। साथ ही बोई जाने वाली फसल के लिए मिट्टी की संरचना एकदम बारीक हो जाती है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रत्येक फसल बोने के पहले रोटावेटर किसानों को जरूर चलाना चाहिए। आधुनिक तकनीकी से खेती करने में अब प्रदेश के किसान काफी आगे निकल रहे हैं। फसलों की सिंचाई के लिए जो किसान हमेशा परेशान रहते थे, वहीं किसान अब उन्नत सिंचाई उपकरणों के माध्यम से कम समय में ज्यादा क्षेत्र की सिंचाई कर रहे हैं। सिंचाई की आधुनिक तकनीकी स्प्रिंकलर सिस्टम किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। स्प्रिंकलर सिस्टम के द्वारा सभी फसलों की सिंचाई की जा सकती है। ऊंची नीची एवं ऊबड़ खाबड़ जमीनों में भी इसके माध्यम से आसानी से सिंचाई की जा सकती है। स्प्रिंकलर द्वारा फसलों को एक समान पानी मिलने से पौधों का विकास भी एक समान होता है। स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाने के लिए अनुदान भी दिया जाता है। अनुदान का लाभ सभी वर्ग के किसानों को मिलता है। अनुदान पर स्प्रिंकलर सिस्टम लगवाने हेतु अपने क्षेत्र के ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। रबी की तिलहनी फसलों में सरसों का महत्वपूर्ण स्थान है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए समय पर सरसों की बोनी करना जरूरी है। प्रमाणित बीजों के प्रयोग से स्वस्थ फसल एवं ज्यादा पैदावार मिलेगी। उन्नतशील प्रजातियों में पूसा बोल्ड, वरुणा क्रांति इत्यादि विशेष लोकप्रिय है। खेत खाली होते ही कहीं कहीं किसान तोरियों की बोनी करते हैं। जवाहर तोरिया एक प्रजाति ज्यादा प्रचलित किस्म है। बोने के पूर्व बीज को फफूंद नाशक दवा थायरम या बाविस्टीन से अवश्य उपचारित करें।
बीजों को रोग व कीटों से बचाने का सबसे सर्वोत्तम माध्यम बीजोपचार है। बीज में सही तरीके से बीज उपचार दवाई मिलाने के लिए बीज उपचार यंत्र यानी सीड ड्रेसर कारगर साबित हुआ है। बीजोपचार यंत्र एक या अधिक मात्रा में बीज को उपचारित करने का यंत्र है। इसमें पाउडर व द्रव रूप में रासायनिक बीज उपचार दवा को बीज में बराबर मात्रा में मिलाकर बोने के काम लिया जाता है। इस यंत्र को खेत पर भी ले जाया जा सकता है। सीड ड्रेसर से बीजोपचार करके बुआई में समय भी कम लगता है। भाइयों, आज खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप नजर डालिए आज के मंडी भाव पर और मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10-15% नाइट्रोजन क्षमता। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें हमने समूह बनाकर खरीदी। किसान भाइयों और बहनों, आप भी उन्नत मशीनों और उपकरणों की खरीद पर वित्तीय सहायता का लाभ उठाएं, अपनी आमदनी बढ़ाएं और खुशहाली पाएं। हो गया। मैंने सोच लिया है, मैं तुझे कृषि का इंजीनियर ही बनाऊंगा। नई मशीनें, नए उपकरण आए आपके द्वार, ले लो इनसे अब खूब खुशी और पैदावार। किसान भाइयों, हमारी खेती में कीटों का प्रकोप एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभर कर आता है। सही समय पर कीट नियंत्रण नहीं किया जाए तो हमारी फसल का एक बहुत बड़ा हिस्सा नष्ट भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि कीटनाशकों के प्रयोग से ही कीट नियंत्रण किया जाए। प्रकाश प्रपंच भी इसमें एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पौध संरक्षण में प्रकाश प्रपंच की क्या महत्वपूर्ण हिस्सा है, यही आए जानने का विषय हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर संजय वैशंपायन, प्रधान कृषि वैज्ञानिक, कृषि महाविद्यालय जबलपुर। किसान भाई, हम देखते हैं आजकल अखबारों में, पत्रिकाओं में, सभी जगह पर्यावरण प्रदूषण की बड़ी चिंता जाहिर की जाती है। जहाँ जहाँ हम देखते हैं कि कीटनाशकों का बहुत अत्यधिक उपयोग हो रहा है और उसमें काफ़ी सारे नुकसान, कहीं मिट्टी की खराब हो रहा है, कहीं पर्यावरण भी खराब नुकसान हो रहा है। यदि किसी भी फसल पर कोई कीड़ा लगता है तो किसान भाई हमारे मन में केवल एक ही उनके इसमें मन में विचारता है कि कौन सा हम कीटनाशक डालें और इस इल्ली को ख़त्म करें। अन्य किसी उपायों से कीट नियंत्रण हो सकता है, इस बारे में हमारा ध्यान ही नहीं जाता। आज हम इसी पे हम चर्चा करेंगे कि अन्य ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिससे हम कीट नियंत्रण बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बिना किसी दवाई के छिड़काव के। तो इसके लिए जो प्रकाश प्रपंच एक कीट नियंत्रण के लिए एक नई दिशा साबित हुई है। कीट नियंत्रण के लिए प्रकाश प्रपंच का उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि जब भी प्रकाश प्रपंच हम लगाते हैं या कि एक ये जानकारी रहती है कि भाई किस प्रकार से ये कार्य करता है, किस प्रकार इसमें हम कीट नियंत्रण कर सकते हैं,
कीट नियंत्रण के लिए चाहे वो चने की फसल हो, चाहे धान की फसल हो, चाहे रबी के किसी भी मौसम में हम इसको लगा सकते हैं और किसी भी प्रकार का कीड़ा जो है जिसके जो वयस्क होते हैं मॉस होते हैं इसमें हम नियंत्रण कर सकते हैं। इसके लगाने के लिए बहुत सिंपल सादी सी टेक्निक है कि हम देखते हैं कि यदि अंधेरे में कोई मोमबत्ती हम लगा लेते हैं तो उसके चारों तरफ कुछ कीड़े आ जाते हैं और गोल गोल चक्कर लगाते हैं और इसी बात को हम कीड़ों की जो विशेषताओं को देखते हुए एक प्रकाश प्रपंच का नया एक मॉडल हमने डिज़ाइन तैयार किया है जिसमें एक मरकरी बल्ब रहता है 80 वाट का, चाहे वो लगा सकते हैं या चाहे 8 वाट का जो यूवी अल्ट्रावायलेट लाइट रहता है उसको हम लगा सकते हैं। यदि हमारे पास सोलर से चलाना हो या कम है तो LED बल्ब भी लगा सकते हैं इसमें और इसको एक खेत में एक चोंगा नुमा एक वो रहता है उसमें बीच में एक बल्ब लगा रहता है और इस बल्ब के चारों तरफ कीड़े जो पंखी अवस्था रहती है वो इकट्ठ आती है, गोल गोल चक्कर लगाती है और नीचे गिर जाती है। इसमें एक ऐसी व्यवस्था रहती है कि नीचे गिरने के बाद वो वापस नहीं आ सकती। अब ये प्रश्न होता है कि जो पंखियाँ आती है उससे हमारा कीट नियंत्रण किस प्रकार होता है? किसान भाई, इसके लिए थोड़ा सा हमें उसके जीवन चक्र के बारे में समझना ज़रूरी है। ये जो पंखियाँ होती है, हानिकारक जो फसलों में हानिकारक कीड़े होते हैं उनकी जो पंखियाँ होती है वो एक समय में 1000 से 1500 अंडे देती है। जी हाँ, 1000 से 1500 अंडे देती है और इन अंडों से जब इल्लियाँ निकलती हैं तो वो सीधे खेतों में हमारी फसलों को नुकसान करती हैं। बाद में यही जो इल्लियाँ हैं शंखी अवस्था में जाती है और शंखी अवस्था में बनने के बाद ये वयस्क या जो तितली बनती जाती है और यदि हम इस तितली को हम पकड़ते हैं तो ये समझिए कि पूरा जो हमारे 500 से 1000 जितनी इल्लियाँ हैं उनको पहले ही हम पकड़ लेते हैं। अतः इस प्रकाश प्रपंच के उपयोग से हम तीन प्रकार की जो है कीट नियंत्रण तीन प्रकार से हम कर सकते हैं, तीन प्रकार से इसका उपयोग कर सकते हैं। पहला तो कीट सर्वेक्षण के लिए खेतों में हम यहाँ जब ये लगा देते हैं तो इसमें सर्वेक्षण बहुत अच्छा है। हम देखते हैं कि कौन सा कीड़ा अब आ रहा है, जैसे चने के उदाहरण के लिए चने के इसमें लगा दिए हम खेत में लगा दिया। अब चने के सबसे ज़्यादा नुकसान करने वाली इल्ली जो चने की इल्ली होती है हम ये देखते हैं कि चने की अब कब का वो कीड़ा आ रहा है, कब का इसके कब आ रहा है, इससे हमें उस फसल में उसकी जो इल्ली की जो सक्रियता का पता चलता है और उसके हिसाब से ही हम कीटनाशकों का उपयोग करेंगे। यदि देख रहे हैं कि अभी कुछ ज़्यादा है नहीं, कीड़ों की इल्लियाँ नहीं लग रही हैं तो हमें कीटनाशक दवाई डालने की जरूरत ही नहीं है, इससे हम हमारा काफ़ी सारा पैसा बचा सकते हैं। दूसरा इसका यह है कि इसका पहले से पूर्वानुमान लगाकर जिसको कहते हैं फोरकास्टिंग या भविष्यवाणी कर सकते हैं। यदि हम जब भी इसका कई सालों का हम रिकॉर्ड का इसका लेखा जोखा रखते हैं, इन कीड़ों का कई साल लेखा जोखा रखने पर हमें पता चलता है कि किस किस मौसम में कितने कितने सालों बाद इसका उतार चढ़ाव जब हम व्यवस्थित रूप से रखेंगे तो ये कब कब आता है, किस किस मौसम में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक आता है, तो उसको हम देखते हुए ये पता चल सकता है कि अब ये कीड़ा आएगा ताकि हम उसको भविष्यवाणी कर सकते हैं और उसकी हम जितने कीट नियंत्रण का जो उपाय करना चाहें पहले से ही उसको हम कर सकते हैं। अतः इसका ये दूसरा उपयोग भी बहुत अच्छा है। और तीसरा जो इसका उपयोग है प्रकाश प्रपंच का कि सीधे कीट नियंत्रण में कैसा होता है, जैसे मैंने बताया कि एक जो वयस्क पंखी है एक बार में 1500 अंडे देती है, उसको सीधे सीधे हम इनको खेतों से निकाल सकते हैं और यदि हम साल भर लगातार प्रयोग करेंगे तो इसके लगातार प्रयोग करने से इनकी जो जनसंख्या है उस पर विशेष क्षेत्र में धीरे धीरे कम होती जाती है और ये देखा गया है कि बिना किसी दवाओं को छिड़काव के हमारा कीट नियंत्रण बड़ी आसानी से हो जाता है। तो किसान भाई, इसको लगाने के लिए कुछ विशेष और हमको बातें ध्यान रखनी ज़रूरी है कि सबसे पहले हम ये देखें कि जहाँ भी हम ये प्रकाश प्रपंच लगाएं, एक तो पहले इसमें बिजली की व्यवस्था होना चाहिए क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि अधिकतर सभी गाँवों में शाम के समय तो बिजली रहती ही रहती है, ऐसा बहुत ही कम ऐसे गाँव होंगे जहाँ बिजली नहीं होगी, लेकिन अधिकतर गाँव में बिजली रहती है। यदि हमको शाम को 6 बजे से लेकर 10 बजे तक भी यदि बिजली की व्यवस्था वहाँ पर है तो ये प्रकाश प्रपंच का बहुत अच्छे से उपयोग हो सकता है। इसको ध्यान रखें कि खुले खेत में लगाएं और लगभग 5 से 10 एकड़ तक में एक प्रकाश प्रपंच लगाना पर्याप्त है। दूसरा, इसके पास में ये देखें कि कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं हो जहाँ से इसकी जो लाइट है प्रकाश है उसमें कहीं अड़चन आ रही है, तो इस प्रकार से ये भी देख लें। और तीसरा, इसको लगाते समय ये भी देखें कि कहीं बच्चों की या इससे ऐसे थोड़ा पहुँच से दूर रखें ताकि कभी बिजली का इसके चूँकि बिजली का उपयोग होता है इसमें तो उनके पहुँच से दूर रखें। अब ये प्रकाश प्रपंच पहले कि कहाँ से मिलेगा, क्या है, कि कैसे प्रकार, तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में इसके कई मॉडल्स विकसित किए गए हैं। वहाँ डॉक्टर वैशंपायन जो विभाग अध्यक्ष कीट शास्त्र विभाग के, उन्होंने करीब लगभग 30 से 35 साल की उन्होंने
उसके ऊपर रिसर्च की है और उसको रिसर्च करने के बाद कई सारे डिज़ाइन, कई सारे मॉडल निकाले हैं। उसमें एक ऐसी भी व्यवस्था, इसमें एक प्रश्न ये आ सकता है कि क्या हमारे मित्र कीट भी उसमें आते हैं? या मित्र कीट तो बहुत कम आते हैं, लेकिन जिस हिसाब से जितने कीड़े जो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह कीड़े रहते हैं उसके अवस्था यदि हम देखेंगे तो मित्र कीट बहुत ही नगण्य आते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं के बराबर। यदि उसको हम जो नुकसान हमारा हो रहा है उसके ऊपर देखें तो उसके अनुसार ही मित्र कीटों की संख्या कुछ भी नहीं होती। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है, हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। बात गांव की, बात किसान की, जानकारी नई तकनीक की, मुलाकात सफल व्यक्तियों से, साथ में मनोरंजन और भी बहुत कुछ, ये सब मिलेगा आपके अपने कार्यक्रम गांव इंडिया में। तो देखना ना भूलें सोमवार और मंगलवार सुबह 7:30 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। धरती पर अवतार बनकर जन्म लेते हैं कुछ ऐसे जाबाज, ये जज्बे और जुनून से खुद लिखते हैं अपनी तकदीर। ऐसे किसानों की गौरव गाथा देखिए कदमों में आसमां, हर गुरुवार रात 9:30 बजे डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, गन्ना एक नगदी फसल है जिसको हम वर्ष में दो बार वसंत और शरद ऋतु में लगाते हैं, और अब तो शरद ऋतु आने ही वाली है। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा प्रदेश देश में गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में कुछ पीछे चल रहा है। यदि वैज्ञानिक तरीके से खेती कर बीज उत्पादन और प्रबंधन कर लिया जाए तो अच्छी फसल प्राप्त की जा सकती है। गन्ने की खेती में बीज उत्पादन और प्रबंधन कैसे करें, यही है जानने का विषय आज हमारे विशेषज्ञ से। हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर गुलजार सिंह, प्रधान कृषि वैज्ञानिक कृषि महाविद्यालय लुधियाना से। शरदकालीन की गन्ने की बिजाई का समय आ गया है। मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ उत्तम तकनीकें जो गन्ने की बिजाई में हम अक्सर गलती कर देते हैं। तो गन्ने की बिजाई के लिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो एक स्टेप है वो है अच्छी किस्म का चयन करना। तो गन्ने की किस्म का चयन करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं, या तो हम अगेती किस्म की वैरायटी का चयन करें या मीडियम दर्जे की वैरायटी का प्रचलन करें। तो इन वैरायटियों का जो मेन आस्पेक्ट है कि अर्ली या अगेती किस्म को हम अगेती क्यों कहते हैं। जो अर्ली किस्म की वैरायटी है उसका क्राइटेरिया ये होता है कि जो 10 महीने की उम्र के अंदर, बिजाई से ले कर पकने तक 10 महीने में जिसके अंदर 17.5% खंड की मात्रा आ जाए और उसके जूस में जो है 85% की प्योरिटी आ जाए, साफ हो जाए, उस किस्म को हम अगेती किस्म कहते हैं। और इसी तरह यही पैरामीटर जब 17.5% उसमें खंड की मात्रा हो और 85% उसमें जूस की प्योरिटी हो और वो 12 महीने में आए तो उस वैरायटी को हम जो है मध्यम दर्जे की वैरायटी कहते हैं। तो वैरायटी का चयन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो मार्केट का प्राइस है इसके ऊपर वो वैरायटी की सिलेक्शन के ऊपर ही निर्भर करता है। जो अर्ली वैरायटीज़ होती हैं तो गवर्नमेंट उसका रेट जो है 10 रुपये हायर फिक्स करती है, और जो मीडियम दर्जे की होती है उसका 10 रुपये रेट कम होता है। तो जब वैरायटी का चयन हो जाता है तो उससे नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है कि उसकी कास्ट कैसे करेंगे। तो इसकी कास्ट करने के लिए सबसे पहले जो होता है मिट्टी की सिलेक्शन, खेत की सिलेक्शन। खेत की सिलेक्शन में हमारे पास जो है, वैसे तो गन्ना हर तरह की मिट्टी में लग जाता है, परंतु जो दोमट मिट्टी होती है जिसको हम सैंडी लोम कहते हैं, जिसमें पानी ना खड़ा होता हो, वो सबसे आइडियल मानी जाती है। उसमें जो है
हमारे लगाने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, या तो उसमें हम नालियाँ निकाल कर उसकी बिजाई करते हैं या सीधे फ्लैट बेड पे करते हैं। पर जनरली क्या होता है कि नालियाँ निकाल कर हम जब इसकी बिजाई करते हैं तो नालियों के बीच की दूरी, जैसे अगेती किस्म की अगर किस्म है तो उसमें नालियों के बीच की दूरी जो है 75 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि जो मध्यम वाली है उसमें 90 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, और पौध टू पौध की जो है वो कम से कम 30 सेंटीमीटर की होनी चाहिए ताकि उसकी प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो जाए। जब हमने खेत तैयार कर लिया है, अगला स्टेप होता है कि हमें बीज कैसे तैयार करना है। तो जैसे ही हम बीज सेलेक्ट करते हैं, हमें बीज उस खेत से लेना चाहिए या उस नर्सरी से लेना चाहिए जो कि पहली बिजाई का बीज हो। ऐसा ना हो कि रिटर्न क्रॉप का बीज हो। रिटर्न क्रॉप में कीड़े मकोड़े और बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, परंतु इसलिए हमें जो बीज है वो पहली बिजाई का ही लेना चाहिए, और जो गन्ना हम सेलेक्ट करते हैं उसका 3/4 भाग ऊपर से सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि उसमें खंड की मात्रा अच्छी होती है और जो उसके ऊपर आँखें होती हैं उन आँखों का फटना, जिसको हम जर्मिनेशन कहते हैं, बहुत अच्छी आती है। तो जब बिजाई करते हैं तो बिजाई के लिए हम जो छोटे पीस काटते हैं गन्ने के उनको सेट्स कहते हैं। तो सेट्स जो हैं, जब उनको बड भी कहते हैं, कुछ सेट्स होते हैं जिसमें 3 आँखें होती हैं तो उनकी मात्रा कम लगती है, जैसे 18 से 22 हज़ार जो है एक एकड़ में लग जाते हैं। इसी तरह जो है जो टू बडड हैं, जिसको हम 2 आँखों वाला भी कहते हैं, सिंगल बड वाला भी कहते हैं, तो अपनी ज़मीन के हिसाब से ही हम उसका सेट्स का वो कर लेते हैं। और सेट्स बनाने के बाद जो सबसे एक महत्वपूर्ण स्टेप है, वो स्टेप है कि उस बीज की उस स्टेप्स का शोध करना, उसको बीमारी से रहित करना। तो उसको बीमारी से रहित करने के लिए हमें एक दवाई मिलती है जो कि मार्केट में जो है लाल दवाई के नाम से जानी जाती है, और वैसे टेक्निकली उसको हम जो है एमिसान कहते हैं। एमिसान जो है आपको 200 ग्राम जो है 100 लीटर पानी में घोल उसका मिला के, और वो जो सेट्स हैं उसको 2 से 3 मिनट के लिए उसमें डिप करके रखते हैं, और डिप के बाद जो है वो जो हमने लाइनें निकाली हुई हैं उसमें उनकी जो है बिजाई कर देते हैं कंटिन्यूटी में बिना किसी ब्रेक के। और जैसे ही हम उन सेट्स को बिजाई कर देते हैं तो उसके ऊपर मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी नहीं डालते हैं तो वो दवाई उड़ जाती है और इससे जो है कि बीमारी जो है उससे फ्री नहीं होती है। दूसरा ये है कि जब हम उन सेट्स को गन्ने को, क्योंकि इसमें खंड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसके ऊपर कीड़े मकोड़े भी बहुत अटैक करते हैं, जैसे कि सियूख का अटैक होता है, अर्ली शूट बोरर का अटैक होता है, तो उसे रोकने के लिए हमें उन गन्नों के पीसीस पे जो टुकड़े होते हैं या उन लाइनों में जो है रिजेंट नाम की दवाई आती है उसका स्प्रे करना पड़ता है। घर की चौखट से निकलकर जब भी कुछ अलग करने की ठानी, जज्बे और समझ से बदली खुद अपनी कहानी, चाहे हो पुरानी परंपरा को बचाना या फिर हो घर के खर्च को चलाना, चुनौतियों को पार कर जिंदगी में था आगे जाना, हर ग्रामीण महिला बनी मिसाल। देखिए इनके संघर्ष की दास्तान, सच होंगे सपने, हर शुक्रवार रात 9:30 डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। गर्व भारत के विकास का। गौरव प्रगति के विश्वास का। चेहरा भारतीय किसान का। परचम भारत की शान का। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, हम आशा करते हैं कि आज के अंक के माध्यम से दी गई जानकारियों से आप निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। फिर भी यदि किसी किसान भाई के मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा है, या फिर कोई किसान भाई अपनी सफलता की कहानी हम तक पहुंचाना चाहे, तो पत्राचार करना ना भूलिएगा। पत्राचार करने के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, श्यामला हिल्स, भोपाल। पिन कोड है 462013। किसान भाइयों, कार्यक्रम को समाप्ति की ओर अग्रसर करते हुए एक बार फिर आप सभी को गांधी जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कुछ अन्य कृषि संबंधित जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूर्वा को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
Thank you.